जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पुत्र प्राप्ति के लिए दिसंबर महीने की तारीखें बताऊंगा। दिसंबर महीने की शुभ डेटें और पुत्र और पुत्री दोनों प्राप्ति की डेटें बताऊंगा, सम और विषम। मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरी यही कामना होती है कि आप सभी की मनोकामना पूरी हो और मैं कभी भी लड़कियों से भेदभाव नहीं करता। मैं इसलिए पुत्र प्राप्ति की वीडियो बताता हूं कि जिनकी पहले से कन्याएं, जिस उनको भी एक पुत्र का सुख प्राप्त हो सके, क्योंकि पुत्र सुख बहुत ही जरूरी है। पितृ ऋण से इंसान तभी मुक्त होता है जब पुत्र की प्राप्ति हो। इस चीज को बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दें। बहुत से कमेंट करते हैं कि आप पुत्री में भेद कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए दोनों ही समान है। अब मैं आपको दिसंबर महीने की शुभ सम डेटें बताऊंगा और मैंने पूरे वीडियो हर वीडियो में आपको बताया है कि किस प्रकार से आपको काउंटिंग करनी है और आप साधारण रूप से कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं कि आपको डेटों की जानकारी होती रहे। एक एक डेट को मैं विस्तार से बिल्कुल साधारण तरीके से आपको बताता हूं, फिर भी कमेंट आते हैं कि गुरु जी हमारी ये डेट बताइए, हमारी ये पीरियड देते, हमें डेट निकाल के दीजिए। तो ये नीचे मोबाइल नंबर, मेरा पेटीएम नंबर है, ये चल रहा है। अगर आपको डेट निकलवानी है तो आपको 150 रुपए इस पर पे करने पड़ेंगे, नहीं तो आप वीडियो के हिसाब से ही आप काउंट कर लें। और कुंडली दिखानी है तो आप 251 रुपए इस पर पे करें, उसके बाद में आप जो है कमेंट करें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर के आप संपर्क करें, वहां पर मेरा अकाउंट बना हुआ है, वह अकाउंट जनरल है, कोई किसी का मैसेज नहीं देख सकता। जो भी आपको जानकारी चाहिए उस पर आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप कमेंट करते हो, इतना समय नहीं मिल पाता। अगर मैं डेटे निकालने बैठूंगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम होते हैं। अगर आप ज्यादातर कमेंट करो तो एक दिन या दिन में एक दो घंटे में डेटों के लिए समय निकाला करूंगा और आपको जानकारी दिया करूंगा। तो जब भी आपको डेटे पूछनी है तो आप पहले 150 रुपए पेमेंट करें और उसके बाद मैं आपको डेटों की जानकारी दूंगा, जिसको भी पूछनी है। बाकी अपने आप काउंट कर सकते हैं, पेमेंट नहीं करना चाहे तो कोई परेशानी है। मैंने साधारण तरीके से वीडियो भी बना करके आपको समझा रखा है। अब मैं आपको दिसंबर के महीने की सम डेटे बता रहा हूं और पुत्र प्राप्ति के लिए सम डेट चलती है, पुत्री प्राप्ति के लिए भी सम डेटे चलती है। 1 नवंबर का प्रतिपदा तिथि है और प्रतिपदा तिथि रात के शाम के 4:52 तक प्रतिपदा तिथि रहेगी, उसके बाद में द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अब एक चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मानो आपका कोई दिन सम बैठ रहा है और दोपहर तक विषम तिथि है, उसके बाद में सम तिथि प्रारंभ हो रही है, तो आप रात को सम तिथि का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। 2 तारीख को द्वितीया तिथि, 2 तारीख को द्वितीया तिथि है, बुधवार है, मृगशिरा नक्षत्र है और द्वितीया तिथि शाम को 6:23 तक रहेगी, यानी 1 तारीख से प्रारंभ होगी, शाम को 4:52 से प्रारंभ होगी द्वितीया तिथि और 2 तारीख को शाम को 6:30 तक रहेगी, 6:23 तक। उसके बाद में जो अगली तिथि है वह चतुर्थी तिथि, चतुर्थी जो तिथि है वह 3 तारीख को, आप ध्यान दें, बिल्कुल ध्यान से सुने, पहले वीडियो को पूरा देखा करें, तिथियों को पूरा समझा करें, उसके बाद में ही आप एक पर्चे पर लिख करके रख ले, जो भी आपकी सम बैठे उस हिसाब से देख ले कि कब तिथि प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। चतुर्थी तिथि 3 तारीख गुरुवार को शाम को 7:27 से प्रारंभ हो जाएगी और 4 तारीख को यह 20:04 यानी शाम के 8:04 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। उसके बाद में अगली जो तिथि है वह षष्ठी, षष्ठी तिथि है और षष्ठी तिथि 5 तारीख को 8:11 से प्रारंभ हो जाएगी और उस दिन शनिवार भी 5 तारीख को, इसलिए शनिवार की अगर किसी की तिथि भी बैठ रही है तो यूज ना करें। और 6 तारीख को षष्ठी तिथि 7:45 तक रहेगी शाम के, उसके बाद में सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 8 तारीख को अष्टमी तिथि है,
अष्टमी तिथि शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी तिथि है उसको प्रयोग ना करें मेरे हिसाब से, क्योंकि शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है उसको तो एक बार प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद में दसवीं तिथि 9 तारीख को दोपहर के 3:18 से दसवीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 10 तारीख को 12:52 तक दसवीं तिथि रहेगी। उसके बाद में आएगी आपकी द्वादशी तिथि, लेकिन द्वादशी तिथि आपकी 6 हो चुकी है तो कृष्ण पक्ष की यही तिथियां रहेंगी जो मैंने आपको बताई। उसके बाद में 15 तारीख की अमावस्या है, फिर उसके बाद में अमावस्या की तिथियां यानी शुक्ल पक्ष की तिथि शुरू हो जाएंगी। 15 तारीख को शाम को 7:07 तक प्रतिपदा तिथि रहेगी, उसके बाद में द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी और द्वितीय तिथि 2 तारीख को शाम को 4:55 तक रहेगी। उसके बाद में अगली जो तिथि है वो है चतुर्थी। चतुर्थी तिथि शुक्रवार श्रवण नक्षत्र है और ये दिन अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा दिन है। और 17 तारीख को दोपहर को 3:18 से चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, 3:18 से ये प्रारंभ हो जाएगी और आपके शुक्रवार 18 तारीख को दोपहर के 2:14:23 तक यानी 2:23 तक रहेगी, उसके बाद में फिर पंचमी प्रारंभ हो जाएगी। अगली जो तिथि है वह षष्ठी तिथि है, षष्ठी तिथि 19 तारीख को 2:15 से प्रारंभ हो जाएगी और 20 तारीख को दोपहर के 2:53 तक रहेगी, इस दिन रविवार है, सत्वसा नक्षत्र है। उसके बाद में शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है वह 22 तारीख की रहेगी और इस दिन मंगलवार है। अष्टमी तिथि 21 तारीख सोमवार को ही प्रारंभ हो जाएगी 4:16 से और 22 तारीख को 6:15 तक ये रहेगी, ध्यान रखें। उसके बाद में आएगी दसवीं तिथि, दसवीं तिथि 23 तारीख को 8:40 से प्रारंभ हो जाएगी और आपका 24 तारीख को रात को 11:18 तक रहेगी दसवीं तिथि। इस दिन गुरुवार है, बहुत ही अच्छा दिन है। बारहों में जो महत्वपूर्ण होता है शनिवार को छोड़ा जाता है, शनिवार को छोड़ा जाता है, बाकी मंगलवार है, सोमवार है, शुक्रवार है, गुरुवार है, ये बार बहुत ही अच्छे होते हैं। उसके बाद में द्वादशी तिथि है आपकी 26 तारीख की, 26 तारीख की द्वादशी तिथि है, लेकिन इस दिन जो है शनिवार पड़ रहा है। उसके बाद में इकतीस तारीख को प्रतिपदा तिथि है शाम को सुबह के 9:31 तक, उसके बाद में द्वितीय तिथि लग जाएगी क्योंकि 31 का महीना है ये, 31 तारीख का महीना दिसंबर का जो महीना है, तो 31 तारीख का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, क्योंकि 31 तारीख को सर्वार्थ सिद्धि योग है, गुरुवार है और सुबह के 9:30 से ही, 9:30 के बाद से ही द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो दिसंबर महीने की ये कुछ तिथियां थी जो मैंने आपको सम तिथियां बताई हैं, सम तिथि के हिसाब से ही आप प्रयोग करें। और कन्या प्राप्ति के लिए विषम तिथि चलती है, जैसे आपकी 3 तारीख है, 3 तारीख की तृतीया तिथि है, उसके बाद में 7 तारीख की सप्तमी तिथि है, शाम के 6:48 तक रहेगी, उसके बाद में 9 तारीख की नवमी तिथि है और 81 को प्रयोग करना नहीं है। और आपका जो है ये तिथियां सो है, उसके बाद में फिर 17 तारीख की तृतीय तिथि रहेगी, उसके बाद में फिर पंच है ये तुम्हारा 19 तारीख की रहेगी, उसके बाद में फिर 23 तारीख की नौमी तिथि रहेगी, उसके बाद में 27 तारीख की त्रयोदशी तिथि रहेगी। तो त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत होता है तो आप पंचमी सप्तमी नवमी इनका जो है प्रयोग कर सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और डेटें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। जो जो दिसंबर महीने की शुभ डेटें थी उनकी जानकारी मैंने आपको दी है। विस्तार से इस वीडियो को देखें, अच्छी तरह समझें, कोई परेशानी नहीं आने वाली आपको। फिर भी समझ में ना आए तो आप संपर्क कर सकते हैं।